lot of crowd, people are gathering. यही है सुपर बाइक का क्रेज़. सुपर बाइक ले लो फेमस हो जाओगे, सीधी बात, नो बकवास. ज़िकावासा के H2 SX वाला मॉडल है ये, ऐसे लाइक पैम्परिंग काइंड ऑफ बेबी. नाइस, नॉट कीलेस, इट्स विद द की. एंड वे डीनो भाई चला रहे थे इसको. अपाचे 310. विल राइड दिस लेटर, मे बी डे आफ्टर टुमारो या टुमारो, एंड देन टुडे माइट राइड द हायाबुसा. लेट्स सी. 3 o'clock एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं फ्रॉम बालासोर टू भुवनेश्वर. इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 203 or 204 kilometers. काफ़ी लेट हो गए हम लोग, लाइक मीटअप वगैरह था, कुछ चीज़ें थे, तो उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए. अभी 3 बजे निकल रहे हैं. अभी यहाँ से जो है रास्ता ख़राब है, मतलब ऑलमोस्ट 60 kilometers से रोड ख़राब है. सो अभी कुछ रोड हमें ख़राब मिलेंगे, तो उसके लिए पैचेस में हम स्लो हो जाएंगे. पहुँचते शाम हो जाएगा. फिर रात को 8 बजे मीटअप भी है बालासोर में. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी. सो कंटिन्यू करते हैं, मिलता हूँ ना मैं आपको हाईवे में. हाँ, जैसे ही हम लोग हाईवे टच करते हैं, ये फ्लाईओवर जाएगा. फ्लाईओवर जैसे जाएगा तो वहाँ पे एक गोल चक्कर रहेगा, वहाँ से लेफ्ट मारना पड़ेगा, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हाईवे में. सो वी हैव गॉट टू द सर्विस रोड. अभी ऊपर वाला जो फ्लाईओवर जा रहा है ना, इसी में जाके हमें आगे ज्वाइन होना है. And then we'll be getting touched down to the main highway. So रास्ते में काफ़ी सारे डाइवर्जेंस है, लाइक कभी राइट में जाओ, कभी लेफ्ट में जाओ, और स्पीड ब्रेकर से बहुत सारे हैं. तो ये अभी ये जो पैच ये थोड़ा सा हल्का अच्छा मिला मुझे, लाइक इसमें लाइक गाड़ियाँ कुछ तेज़ रफ्तार में चल रहे हैं, ये मैंने देखा. बाद बाकी अगर मैं बात करूँ तो फिर से डाइवर्जन एंड अगेन यू नो देयर आर स्पीड ब्रेकर्स, बहुत ऐसे डाइवर्जन. ट्रैफिक देखो सामने, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है और रोड्स भी ख़राब है. ऐसा नहीं कि रोड अच्छे हैं आप भगा सकते हो. सो राइट आई एम राइडिंग दिस एंटॉर्क, ये वही 96-97 में आके अटक जाता है. बैदिक बेचारा इतना लंबा है, उसका घुटना ना हैंडल में टच हो जाता है. इतना लंबा भी होना नहीं चाहिए लाइफ में, बिकॉज वो फिर मेरे को रिक्वेस्ट किया कि नीलाद्री प्लीज़ मेरे दुख दर्द को समझ. एंड देन दर्ज़ अनदर गाय आदित्य, वो बेचारा बोला कि नहीं मैं N250 ही चलाऊँगा. मैं बोला चल कोई नहीं, दोस्त है कर देते हैं. एंड अपने को ये सब अभी तक नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला, बट नहीं मिला अभी तक. मे बी आई एम इनकैपेबल. एनीवे चलो आगे मिलते हैं. अभी क्या रास्ता चालू हुआ है, लाइक यू नो भुवनेश्वर 136 है. जस्ट लुक एट दिस रोड, वी हैव गॉट टच डाउन टू द सडन 6-lane रोड. एंड इस रोड में आई विश भगवान मेरे को कभी किसी ने किसी दिन तो देगा ही. इस रोड में स्पीड ट्रिपल और टाइगर होना चाहिए 1200. का स्किल अच्छा है तो आप कांस्टेंट एक ही स्पीड पकड़ के आप कांस्टेंट चल सकते हो नो मैटर व्हाट. ये 101 पहली बार गया. एनीवे डाउन भी है, 102 हुआ. क्या जो भी हो, तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास नो मैटर कौन सी बाइक हो, 1200, 1300, 1500, 2000 cc, आप सिर्फ सीधा रास्ते में फाड़ सकते हो. आप 200-300 उठा सकते हो, बट यू नो ओरिजिनल स्किल्स कम्स. ओ गॉड, ये इसका रेडियस. सो इसका टायर से मैं इसका टर्निंग रेडियस का मतलब वो कैलकुलेशन लगा लिया. सो या सो मैं यही कह रहा था कि आपके पास अगर स्किल है ना, आप किसी भी क्षेत्र पर आके रह सकते हो. बट हाँ, आप अंडर रेटेड हो रह जाओगे, आपको लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि आपके पास सुपर बाइक नहीं है. तो बॉस आप आज का जो जनरेशन है लोगों का वो नहीं होगा. अरे ये BMW को मैं बहुत पहले देखा था, बहुत पहले हम लोग फोटोशूट वगैरह करवा रहे थे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल. प्यारा मॉडल है यार, कूपे टाइप मॉडल है, बहुत मज़ा आता है. आई लव दिस BMW. अभी थोड़ा बहुत लाइट वाइट में अगर कुछ भी अगर दिखता है तो दिखाते हैं. एंड देन आपको मिलते हैं भुवनेश्वर. अभी और 126 किलोमीटर रह गए इधर.
मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे व्लॉग करूँ, मतलब अंधेरा भी हो गया, कुछ दिखाने को भी नहीं मिल रहा है, और अपने पास सुपर बाइक भी नहीं है कि थोड़ा स्पीड में चलता आपको एंगेज रख पाता। अभी क्या है 94 95, ये तो घर का स्पीड जैसा हो गया बेटा। एनीवे कोई नहीं, देखते हैं। जो लेंस में कितने कीड़े मरे हैं या फिर थोड़ा ब्लड दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज मैं रुक नहीं रहा हूँ, कैमरे को साफ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो सॉरी फॉर दैट, आप भी थोड़ा मेरे हालत को समझो ना, कीड़े वगैरह मेरे कंट्रोल में है नहीं, मेरे हेलमेट में बहुत सारे कीड़े आके मर गए ऑलरेडी। तो वही मैं सोच रहा था कि इतने सारे कीड़े जब मेरे हेलमेट में है तो मे बी इसका मे बी 0.5% या 1-2% तो कीड़े मेरे लेंस पर लगे ही रहेंगे। तो अगर वैसा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कुछ देर बाद अगर रुकते हैं तब मैं लेंस साफ करके मैं आपसे फिर बात करता हूँ। अभी हम लोग, ये एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है, हाँ यही वाला ब्रिज का मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा लंबा है। ना स्पीड ट्रिबल ओवरटेक किया, ना ट्राइम टाइगर ओवरटेक किया, ना डीनो भाई विथ हायाबुसा ओवरटेक किया, किसी ने अभी तक ओवरटेक ही नहीं किया। पता नहीं वो लोग किधर तो है, 7:30 निकले थे, 7:30 में निकले थे, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा ट्रैफिक आया तो मैं फिल्टरिंग करके निकल जाता हूँ। अब फिर आदमी को एक चीज़ होता है कि अगर आप फिल्टरिंग करते हो ना तो लोग पता है क्या करते हैं, आपको देख के बोल नहीं पाते, अरे ये तो स्किल्ड है मेरे से ज़्यादा, तो लोग फिर एक टैग लाइन अपना से बक्से से टैग लाइन निकालता है और ऐसे छाप देता है, रैश चलाता है, बहुत रैश गाड़ी चलाता है, ऐसे करके फिल्टरिंग करके निकलना इस रैश। तो अब क्या ही बोलोगे आप ऐसे लोगों को, अनस्किल्ड राइडर हैं पर दूसरों को रैश बोलते हैं, क्या ही बोलोगे। यहाँ से भुवनेश्वर इज मोर जस्ट 62 किलोमीटर्स, चेन्नई 1331, विशाखापट्टनम 479 माइनस 62, मतलब ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जैसा रहेगा भुवनेश्वर टू विशाखापट्टनम। कल का जो राइड है वो थोड़ा सा मे बी हेक्टिक होने वाला है, बट या लेट्स सी, मज़ा तो आएगा क्योंकि रास्ते बहुत प्यारे, बहुत प्यारे रास्ते। अभी फिर से टॉल रोड चालू हो जाएगा, अच्छा टॉल रोड एंड हो रहा है यहाँ पे। 400 यस, इधर इंग्लिश चलता है हिंदी नहीं। चलो अभी साफ हो गया रहेगा, इंडिकेटर बंद, कैमरा ऑन है, साफ दिख रहा है आपको, यस। ओफ, ये गाड़ी वाला फुल जोश में भाई, फुल भगा रहा है ये। सेल्टॉस, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कार, बट नॉट बाय बिल्ड क्वालिटी, बाय पावर एंड टॉर्क रेशियो इट इज रियली गुड। दिस आर द हिडन स्पीड कैमरा, ये जो रेड रेड LED जल रहा है ये स्पीड कैमरा हिडन वाले। अभी जस्ट एक टोल प्लाजा क्रॉस किया, अभी हाईवे मिल गया अच्छे वाले फिर से, एंड अभी भुवनेश्वर इज मोर जस्ट मे बी 20 किलोमीटर्स मैक्सिमम। होटल का जो लोकेशन है वो 20 किलोमीटर जैसा है। तो यस, वंस आई रीच ओवर देयर, ये बस वाले देखो लेन चेंज करते हैं, इंडिकेटर नहीं देते। अभी ग्रुप में लाइव लोकेशन शेयर किया था तो देखा मैं बहुत आगे हूँ, मैं बहुत आगे हूँ उनसे, वैदिक मेरे पीछे है एंड बाकी लोग पता नहीं क्या है, किधर किधर है, मैं उतना देख नहीं पाया, जब मैं पेट्रोल भरा था तब मैंने चेक किया था। सो यस, दैट्स द अपडेट। अय्या क्या है, स्पीड ब्रेकर्स चले आते पता भी नहीं चलता। यस, कटक शहर को हम क्रॉस कर रहे हैं, अभी एक नदी है उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद फिर अभी हाईवे आ जाएगा। ग्लव्स उतार के रखा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर रही है मेरा बार बार, तो इसीलिए जो है हम ग्लव्स के बिना लेफ्ट हैंड चला रहे हैं, राइट हैंड में बराबर ग्लव्स है। अभी जो है भुवनेश्वर इज मोर 18 किलोमीटर, अच्छा ये गोपालपुर है, ओके अंकल जी क्या कर रहे हो। चेन्नई 1289, विशाखापट्टनम 437, भुवनेश्वर 20 किलोमीटर्स।
दिस इज द होटल ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का गेट इधर से होना चाहिए। यस यही है ना ग्रीनफील्ड? ओ नहीं, यहाँ से उतार देता तो अलग ही सीन हो जाता। थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? रोहन। रोहन, ओके। सो द अदर पीपल आर एट वेरी बियॉन्ड, लाइक बहुत पीछे है वो लोग, बहुत पीछे। हम वेट कर लेंगे और क्या। ओके ओके, कूल। बट यू हैव टू वेट मी फॉर 1 hour 1.5 hours। मेरे को भी नहीं पता पार्किंग का, इसलिए तो मैं इधर उधर हो रहा था। मैं उधर बाइक डालने वाला था, फिर देखा सीढ़ी है तो मैं फिर रुक ही गया। मेरे को भी, आप अगर गाड़ी भी लाओगे तो कहाँ पे भी रखोगे।